रुबीना दिलैक अगर होती है एलिमिनेट तो अपने घर ना जाकर जाएंगी राखी की मम्मी के पास। आखिर क्यों, जानते हैं इस वीडियो के अंदर। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। यहाँ पर राखी से मिलने जो भी आया है उसने बताया है कि राखी की मम्मी अभी हॉस्पिटलाइज्ड हैं और राखी की मम्मी को रुबीना और अभिनव बहुत पसंद है। ये बात राखी भी कहीं ना कहीं बयां कर चुकी है कि उनकी मम्मी को रुबीना अभिनव इतने पसंद है कि उनकी मम्मी ने स्पेशली ये कह के भेजा था कि तुम पति पत्नी से लड़ोगी नहीं, बाकी तुम्हें जो करना है करती रहना। तो यहाँ पर रुबीना ने कहा है राखी सावंत से, क्योंकि राखी थोड़ी टेंस थी जैसे उन्हें पता चला है कि उनकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो सबने पहले तो उनकी स्ट्रेंथ की दाद दी है कि आप किस तरीके से खड़ी हुई हैं, आज भी एंटरटेन कर रही हैं, खुद भले अंदर से कितनी झंझोरी हुई हो लेकिन आप बाहर सभी को हंसाने की कोशिश कर रही हैं। और उसके बाद रुबीना ने ये कहा है राखी सावंत से, लाइव फीड में नजर आया ये बात कि अगर मैं एलिमिनेट होती हूँ तो मैं अपने घर नहीं जाने वाली हूँ, सबसे पहले मैं कहीं जाने वाली हूँ तो आपकी मम्मी से मिलने जाऊंगी, सीधे आपकी मम्मी के पास जाऊंगी और ये मेरा प्रॉमिस है। यानी कि रुबीना दलैक ने राखी सावंत से किया है वादा, अगर रुबीना दलैक इस हफ्ते होती हैं एलिमिनेट तो मिलेंगी उनकी मम्मी से जाकर। लेकिन भाई राखी सावंत तो रुबीना दोनों ही कहीं ना कहीं शायद ये नहीं जानती है कि रुबीना दलैक एलिमिनेट हो ही नहीं सकती क्योंकि अभी तक सबसे ज्यादा वोट्स उनको मिल रहे हैं। लेकिन अगर कुछ ट्विस्ट लाने के लिए सीक्रेट रूम का इंक्लूजन हो जाए तो शायद कर दिया जाए रुबीना दलैक को एलिमिनेट। लेकिन ऐसे मतलब घर के बाहर तो रुबीना के जाने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन रुबीना का ये जेस्टर राखी को बहुत पसंद आया और वो बहुत टच्ड भी रही इस जेस्टर को देख के। आगे कहना चाहेंगे इस जेस्टर के बारे में रुबीना दलैक के, आइए करते हैं कॉमेंट सेक्शन में बातचीत और हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि ऐसी खबरें लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे विद अ डोज ऑफ एंटरटेनमेंट।